हालांकि गुरुजी के दुनिया भर में हजारों अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए 14 अति समर्पित अनुयायियों का चयन किया था। दुनिया से बुराई को खत्म करने का लक्ष्य था। सभी चयनित शिष्यों को उद्देश्य में शामिल कुछ कार्यों को सौंपने से पहले बहुत कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। गुरुजी के पास शहर के बीच में श्रद्धा भवन नामक एक भव्य इमारत थी और इसे सभी अनुयायियों ने दुनिया भर में सबसे पवित्र और विस्मयकारी स्थान माना था। 14 शिष्यों को गुरुजी द्वारा कई हजार अनुयायियों में से चुने जाने पर गर्व था। वे सम्मानित महसूस कर रहे थे। प्रशांत भी 14 अनुयायियों में से एक था और अंतिम चयन के लिए इसे बनाने से पहले उसे पूरा करना कोई आसान काम नहीं था। गुरुजी अपने चुने हुए 14 शिष्यों के साथ विशेष बैठकें करते थे और उन्हें पूरा उद्देश्य सुनाते थे। उद्देश्य दुनिया में प्रत्येक जीवित प्राणी को अच्छाई की वास्तविक ताकत और बुरे कर्मों के दर्दनाक और दुखद परिणाम से अवगत कराने के लिए था। कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया था। 14 शिष्यों को अलग अलग कार्य सौंपे गए जो उद्देश्य के भाग थे। उद्देश्य असंभव नहीं था, हालांकि मुश्किल था, लेकिन अब यह एक भयानक तथ्य था जिसे गुरुजी ने उसके साथ साझा किया था। सर्प के रूप में बुराई सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य को विफल करने के लिए बाहर मौजूद थी, लेकिन वह उस दुष्ट सर्प का पता लगाने और उसका नाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जिनमें से कोई एक शिष्य उस सर्प के नियंत्रण में है, वह वैसा ही करेगा जैसा कि गुरुजी ने उसे करने को कहा है। गुरुजी की यादें उसे सताने लगी। वह फिर फूट फूट कर रोने लगा। श्रद्धा भवन लोगों से भरा हुआ था। अंतिम सम्मान देने के लिए गुरुजी के पार्थिव शरीर को एक स्थान पर रखा गया था। चूंकि श्रद्धा भवन का हॉल पूरी तरह से गुरुजी के अनुयायियों से भरा हुआ था, इसलिए गुरुजी को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए अनुष्ठान शुरू किया गया था। बगल में शव को एक बड़े कांच के बॉक्स में रखा गया था जिसमें बड़ी मात्रा में फूल थे। अनुयायियों ने एक एक करके अपने हाथों को जोड़ना शुरू कर दिया और गुरुजी के भौतिक अस्तित्व के प्रति अपने अंतिम सम्मान को व्यक्त करने के लिए आंखें बंद कर 2 मिनट का मौन धारण किया। अनुयायी एक एक करके आ रहे थे, 2-3 फूल उठा रहे थे और उन्हें गुरुजी के सांसारिक अस्तित्व पर चढ़ा रहे थे। शायद ही कोई आंख थी जो आंसू नहीं बहा रही थी। प्रशांत पूरी तरह से नींद से बाहर था। वह इतना अधिक विचलित हो गया था कि वह कुछ और सोचने के काबिल नहीं था सिवाय इसके कि गुरुजी ने उसे क्या करने के लिए कहा था। उसे किसी भी तरह से गुरुजी की अलमारी की चाबी निकालनी होगी और उसके लिए पहले उसे अलमारी की चाबियों पर नियंत्रण पाना होगा। यह प्रशांत के लिए एक चिंता की बात थी कि उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखे बिना चाबियों का उपयोग करना होगा। वहां तारों से छोटी रोशनी को छोड़कर आकाश में गहरा अंधेरा था। प्रशांत ने चुपके से श्रद्धा भवन में स्थित गुरुजी के कमरे में अपना रास्ता बनाया। उन्हें गुरुजी के कमरे की चाबी प्राप्त करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। उसने कमरे को कम से कम संभव आवाज करते हुए खोला और कमरे में प्रवेश किया। वहां किसी के होने की आवाज या संकेत शायद ही था। वह अलमारी के पास पहुंचा और उस माला को अपने कब्जे में ले लिया जिसके बारे में गुरुजी ने उसे बताया था। यह उद्देश्य को पूरा करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा का पता लगाने का एकमात्र साधन है। प्रशांत ने सोचा। उसने माला पर नजर डाली। यह एक बड़े मनको वाली दिव्य माला थी जिसके प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। क्या प्रशांत अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगा? जानने के लिए कहानी के अगले भाग का इंतजार करें।